हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज प्रिंस सुविधा। आज मैं आपको लेके आया हूँ मोस्ट फेमस साबूदाना खिचड़ी चखने के लिए। यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ एट अप्पास खिचड़ी। यहाँ पे आपको मोस्ट फेमस साबूदाना खिचड़ी विद काकड़ी का रायता कुछ मिलता है। मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं पता है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ क्या मिलता है, क्यों फेमस है, वो तो अंदर जाके चखने के बाद ही पता चलेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलो अंदर चलते हैं और चख के देखते हैं कि आखिर अप्पा की खिचड़ी इतनी फेमस क्यों है। 1960 में कर्नाटक से पुणे शिफ्ट हुए अप्पा ने डेक्कन जिमखाना में एक कैंटीन स्टार्ट की, नाम रखा अप्पा स्नैक सेंटर, जो बहुत ही कम टाइम में फेमस होगी एज अप्पाची खिचड़ी। इसके पीछे हाथ था अप्पा ने बनाई हुई एक यूनिक साबूदाना खिचड़ी का, जिसे टेस्ट करने के लिए आज मैं अप्पाची खिचड़ी पे आपको लेके आया हूँ। मोस्ट फेमस साबूदाना खिचड़ी के साथ यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। शूट करने के बाद फाइनली बारी आती है इसको टेस्ट करने की। एक्चुअली ये फेमस क्यों है आप खाने के बाद ही पता चले, तो चलो टेस्ट करते हैं और देखते हैं। ये रहता है टेस्टी, आप खिचड़ी टेस्ट करते हैं। नंबर खिचड़ी सॉफ्ट है, कुछ भी खास ऐड नहीं है इसके अंदर, फिर भी खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है और रायते के साथ तो कॉम्बिनेशन जरूर विजिट करना, इसलिए जरूर ओके। हमें फिनिश करना है, बाद में बातें करते हैं। आपकी मील खत्म नहीं होगी जब तक आप खाने के बाद कुछ भी खाना खाओ। तो पूछिए मैं आप क्या खाओगे भाई। मैंने तो ऑर्डर किया था पाइनएप्पल शीरा, जो मैं खाने वाला क्योंकि यहाँ का फेमस भी है, इसको ट्राई करते हैं करते देखते हैं। वैसे तो मैंने फेमस एक्चुअली है यार, एक ट्राई करके देखते हैं। स्टार्ट खाने में तो बहुत अच्छा है, इसलिए ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे ट्राई किया काकड़ी खिचड़ी और पाइनएप्पल चिली, तो दोनों भी टेस्ट में एक नंबर थे, ऑसम थे। तो बस मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल अगर आपको साबूदाना खिचड़ी खानी हो थोड़े यूनिक टेस्ट के साथ से, तो यहाँ पे आना, यहाँ पे विजिट करना मत भूलना। और हाँ, पाइनएप्पल चिली भी इनका बहुत टेस्टी है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ यहाँ पे आके विजिट जरूर करना और यहाँ पे टेस्ट जरूर करना। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर करना अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ जो पुणे में टेस्टी खाना खाना चाहते हो। ओके, सो दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शो। बाय गाइज।